तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और आरएमएस स्पीड पर, है ना। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब फॉर्मूला है प्रेशर का, जो डेंसिटी से रिलेट होता है, वो हमें निकालना है। तो मैं आपको पूरा डेरिवेशन बता दूंगा उसका, लेकिन डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, है ना, लेकिन फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, तो वो ध्यान रखिएगा उस बात को। खैर, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम का क्या मतलब होगा। जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वो थोड़ा सा आप समझ लो, क्योंकि वो जो है काम आएगा आगे चलकर, है ना। तो जैसे बोला गया वॉल्यूम, तो मैं आपको बताऊं वॉल्यूम ऑफ गैस को कैसे डिफाइन किया गया है। गैस की वॉल्यूम को तो वो डिफाइन किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ रीजन रीजन और स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन बी फाउंड। यानी अगर आपको गैस का वॉल्यूम बोला जाए, तो गैस का वो वॉल्यूम होता है जहां जहां मॉलिक्यूल जो है गैस के वो फाउंड हो सकते हैं, वहां पर आपका जो वॉल्यूम होगा, स्पेस होगा, रीजन होगा, उसी को वॉल्यूम ऑफ गैस कहा जाता है ना। वॉल्यूम ऑफ गैस इस तरीके से डिफाइन किया गया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में गैस भर दी। कंटेनर में बच्चों आपने क्या भर दी, गैस भर दी। मान लीजिए कि इसमें जो गैस भरी वो H2 है, H2। और मान लीजिए कि आपने इस गैस के टू मोल्स ऑफ गैस इसमें फिल कर दिए। टू मोल्स ऑफ गैस जो है इसमें फिल कर दिए, ठीक। टू मोल्स ऑफ गैस, गैस मान लो H2 है, तो हाइड्रोजन के टू मोल्स इसमें फिल किए हुए, और इस कंटेनर का वॉल्यूम 2V0 है। तो आपसे बोला जाए कि भाई वॉल्यूम ऑफ टू मोल ऑफ हाइड्रोजन, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना बोला जाएगा। अब देखो, आप इस कंटेनर में कहीं पे भी चले जाओगे तो ये गैस पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। मतलब इस पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर का स्पेस है, उसमें ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, गैस के पार्टिकल्स मिलेंगे। इसलिए हम ये बोलेंगे कि 2 मोल का जो H2 है, अगर वो V0 के कंटेनर में, तो उसका वॉल्यूम V0 है। लेकिन अगर सोचो यही जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ ही गैस, अभी भी हम 2 मोल्स ही दे रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही है। लेकिन अगर मैं उसको अब एक बड़े कंटेनर में डालता हूँ, 2 मोल्स को पहले छोटे कंटेनर में डाला था, अब बड़े कंटेनर में डाल दिया, मान लो इसका वॉल्यूम जो है वो 2V0 है। अब आपसे पूछा गया कि भाई बताओ इस केस में वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है। तो इसमें देखो, तो इस कंटेनर के किसी भी पॉइंट पर आपको ये मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, मतलब फाउंड किए जा सकते हैं। यानी अब उनका दायरा बढ़ गया है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी हम ज्यादा लिखेंगे। अब जो वॉल्यूम गैस है 2V0 है, यानी मोल्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। जिस भी एरिया में, जिस भी रीजन में आपको गैस के पार्टिकल्स फाइंड हो सकते हैं, वो सारा वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना। ये बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर मैं आपको और एग्जाम्पल लूं, तो जैसे मान लीजिए कि इस कंटेनर में आपने बच्चों क्या डाल दिया, V0 वॉल्यूम है, इसमें एक गैस डाल दी, है ना बच्चों। अब मान लीजिए कि आपने इसमें दोनों गैस डाल दी, दो टू मोल्स डाल दिया किसका बेटा, ऑक्सीजन का, प्लस आपने 5 मोल्स डाल दिया किसका बेटा, हाइड्रोजन का। अब आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है। पहले आपसे बोला गया कि भाई 2 मोल्स ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इन दोनों के वॉल्यूम कितना होगा, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 5 मोल। तो देखो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किसी भी रीजन में फाइंड कर सकते हैं कंटेनर में, इसलिए इनका वॉल्यूम V0 कहा जाएगा। फिर आपसे बोला जाए, पूछा जाए भाई कि बताओ वॉल्यूम ऑफ ओनली 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी कहीं पे भी पाया जा सकता है पूरे कंटेनर में, इसलिए उसका वॉल्यूम भी V0 ही है, उसका वॉल्यूम भी V0 ही है।
फिर आपसे बोला जाए भाई कि वॉल्यूम ऑफ ओनली 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी कहीं भी पाया जा सकता है, इसलिए उसका वॉल्यूम भी वी नॉट ही कहलाएगा। आपसे बोला जाए कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल की गैस भी कहीं भी पाई जा सकती है, तो वो भी वी नॉट है क्योंकि उसके पास इतना स्पेस है घूमने के लिए, कहीं पाया जा सकता है। मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका वॉल्यूम भी वी नॉट ही लिखा हुआ है क्योंकि एक मॉलिक्यूल भी कहीं भी पाया जा सकता है, जितने स्पेस में वो घूम सकता है, जहां पाया जा सकता है वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस को ऐसे दिखते हैं, ध्यान रखना ये थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड से अलग टाइप का होता है, इसलिए ये चीज बच्चे क्या है सॉलिड लिक्विड जैसा वॉल्यूम समझते हैं फिर गलती करते हैं, वॉल्यूम ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो बाद में क्वेश्चन में गलती भी होती है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब ये नहीं है गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम, वो जितनी जगहों पे घूम सकता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है ना, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वॉल्यूम ऑफ गैस का वो क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रेशर, प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है ना, चाहे तो वॉल्स ऑफ कंटेनर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गैस वॉल्स कंटेनर की वॉल्स भी उतना ही प्रेशर करेगा, आपस में भी उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा, है ना। तो आपसे बोला गया है कि बताओ प्रेशर ऑफ गैस कितना होता है जब एक गैस किसी कंटेनर में होता है या गैस के पार्टिकल्स हैं, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, तो उनका प्रेशर निकालना है। अब बच्चों ये प्रेशर निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो फाइनली पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं फिर मैं प्रूफ भी करा दूंगा। तो प्रेशर ऑफ गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 रो, रो जो है बेटा वो डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस है, और इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि आरएमएस वैल्यू क्यों हमने डिफाइन की हुई थी, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में आरएमएस वैल्यू ही आती है, वेलोसिटी ही, स्पीड की आरएमएस वैल्यू आती है, इसलिए। और भी आगे अभी कुछ फॉर्मूले आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें आरएमएस वैल्यू का ही रोल होता है, इसलिए एवरेज के बावजूद हमने एक और वैल्यू डिफाइन करनी पड़ी है ना, किसकी बेटा, गैस की, जिसको हमने आरएमएस वैल्यू कहा है, ठीक। तो अब इसका डेरिवेशन है, पहले तो मैं आपको बता दूं रो जो है वो डेंसिटी है ना, वी आरएमएस तो आप जानते हो स्पीड है और ये डेंसिटी ऑफ गैस है। तो ये फॉर्मूला है, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन इसका करते हैं, डेरिवेशन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, कुल मिला के फॉर्मूला याद रखना है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज कि हमने भाई यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है, तो बेटा इस तरीके से एक कंटेनर ले लेते हैं हम, और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है जिसका हमें प्रेशर निकालना है ना। तो ऐसा एक कंटेनर हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, क्या है इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। तो ये मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है बच्चों, और ये आपका जेड एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, इनके वजह से हमें जो प्रेशर लगेगा, प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है गैस पार्टिकल्स, उसके बारे में चर्चा करनी। अब आप ध्यान से देखो तो कोई भी एक पार्टिकल देखें बच्चों, यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की एक नेट स्पीड होगी। अच्छा, इसकी जो नेट स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी उसके हमेशा 3 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये कंटेनर में कहीं भी भाग सकता है ना, तो स्पेस में, तो हम उसके 3 कंपोनेंट कर सकते हैं। मतलब जो नेट स्पीड होगी उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा जिसको हम वी एक्स बोल सकते हैं, एक वाई कंपोनेंट होगा जो हम वी वाई बोल सकते हैं, और उसका एक जेड कंपोनेंट होगा जो वी जेड बोल सकते हैं। अब क्या होता है कि ड्यू टू सिमिट्री, या ये हमेशा रैंडम मोशन कर रहे हैं तो सिमिट्री की वजह से आप ये बोल सकते हो कि जो भाई नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की, नेट वेलोसिटी वो इन तीनों का जो है मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे, तो एक्स वाई जेड पता है, तो याद करो बच्चों कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर वैक्टर्स याद होगा आपको, वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट, नेट वेलोसिटी तो ऐसे ही निकाला जाएगा किसी पार्टिकल का, और नेट वेलोसिटी निकालते हैं जब तो ये हो जाता है। और ये जो है क्योंकि सब इलास्टिक कोलिजन मानते हैं, हमने एजम्पशन माना है, आइडियल गैस मानी है,
तो ये भी वैलिड होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है किसी एक डायरेक्शन में वो हमेशा दूसरी डायरेक्शन के बराबर होती है। मतलब आपको कहना चाहिए कि एक्स वाली जो वेलोसिटी है वो वाई वाली स्पीड के बराबर है, जेड डायरेक्शन वाली स्पीड के बराबर है ऑन एन एवरेज, ऐसा आप बोल सकते हो, है ना बच्चों? ये आइडियल गैसेस के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, है ना, ऑन एवरेज। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जो स्पीड है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी कि आप इसको देखो, नेट वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं भाई? अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको वी स्क्वायर लिख लें तो ये तीनों एवरेजली बराबर हैं, तो वी एक्स प्लस वी एक्स प्लस वी एक्स, वी वाई को भी वी एक्स लिखा जा सकता है, वी जेड को वी एक्स, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर। यानी बेटा यहां से अगर आप देखो तो वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई नेट वेलोसिटी के टर्म्स में, डेट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, नेट वेलोसिटी के टर्म्स में डेट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। चलो ये हमारा काम बन गया, पहला हमारे पास एक रिलेशन आ गया है नेट वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन पे। अब देखो ये वाली अगर आप बॉल देखें, जो कंटेनर की बॉल है उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा उसका मतलब हर जगह पे वैसी प्रेशर एग्जर्ट करता होगा गैस, तो हम इस कंटेनर की वॉल पे प्रेशर निकाल लेते हैं। तो ये जो वॉल है बेटा, इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वी एक्स है, तो पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो इलास्टिकली कोलाइड करेगा और वापस चला जाएगा। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन है मतलब ई वन मानना है, ई वन मानना है मतलब जितनी रफ्तार से आएगा उतनी रफ्तार से वापस हो जाएगा, वी एक्स से वापस हो जाएगा बेटा, वी एक्स से वापस हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा तो इस दीवार पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर। प्रेशर तो वही करने की कोशिश करते हैं। ये जो डिस्टेंस है बेटा, इसको मान लो आप, ये जो हमारा क्यूब का ये डिस्टेंस है जो ये ट्रेवल करेगा दो वॉल्स के बीच में, ये मान लो एल ले लेते हैं, हम एल ले लेते हैं, है ना, एल ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। और यहाँ पे इस वॉल में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं डी टी टाइम में, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल टकरा रहे हैं ना, तो उसका एक नंबर दे लेते हैं। लेट सपोज एस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कोलाइडिंग विद दिस वॉल। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट एस, है ना, लेट एस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइड 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 विथ वॉल, कोलाइड विथ वॉल इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में कोई एक पर्टिकुलर 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी हो, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, एस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस वॉल से टकराते हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया भाई, ठीक। अब आप देखो, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना है तो टोटल मोमेंटम चेंज कितना आया है एस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, वो निकालना पड़ेगा। तो पहले एक पार्टिकल का तो हम निकाल लें कि चेंज इन मोमेंटम कितना है बेटा, है ना। तो एक पार्टिकल का जैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखो, जब एक पार्टिकल इस वॉल से ऐसे आके टकराएगा वी एक्स रफ्तार से, और टकराने के बाद क्योंकि ई वन है तो टकराने के बाद इसकी रफ्तार फिर से वी एक्स हो जाएगी, और मास ऑफ पार्टिकल एम मान लेते हैं, स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ऐसा मान लो भाई। तो यहां से देखो बेटा, यहां से ये टकराएगा, यहां से वापस होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इसका, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, फाइनल मोमेंटम देखो इधर, तो ये डायरेक्शन अगर आपने पॉजिटिव मानी है तो ये वाली डायरेक्शन आपको नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू वी एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन, एम इंटू वी एक्स, तो ये हो जाएगा 2m vx। यानी एक पार्टिकल का जो बच्चों चेंज इन मोमेंटम है दीवार से टकराने के बाद वो 2m vx है। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं भाई, तो हम यहां पर लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डेट इज डेल्टा पी इन वन कोलिजन कोलिजन इन वन कोलिजन ऑफ वन पार्टिकल, ऑफ वन पार्टिकल, ऑफ वन पार्टिकल विद द वॉल इज इक्वल्स टू 2m vx। देखो बेटा ये लिख लिया हमने। अब सोचो एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम इतना है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम में तो एस नंबर ऑफ कोलिजन्स है, एस पार्टिकल टकरा है ना, एस पार्टिकल टकरा है, तो एक कोलिजन का इतना मोमेंटम, तो एस कोलिजन का कितना मोमेंटम इससे मल्टीप्लाइड, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स टकराए, है ना। तो हम लिख सकते हैं
चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम, इन टोटल चेंज इन मोमेंटम इन एस नंबर ऑफ कोलिजन्स, एस नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, एस पार्टिकल्स आए थे तो एस नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे विद द वॉल। तो बेटा टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, देखो यहां पे जब हम लिखेंगे तो एस का मल्टीप्लाई होगा एक पार्टिकल से इतना, तो एस पार्टिकल से 2mSvx, है ना, 2ms into vx ऐसा लिख लिया। तो देखो बेटा ये काम बन गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा टी टाइम आ गया, है ना, ये डेल्टा टी टाइम में हुआ है क्योंकि डेल्टा टी टाइम में हमने एस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कोलाइड करते हुए माना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा टी टाइम कितना होगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। देखो जब एक पार्टिकल इससे आके टकराएगा तो ये वापिस मुड़ जाएगा, तो मुड़ जाएगा तो फिर दूसरा टकराएगा कब, जब वो एल दूरी कवर किया फिर टकराया, फिर उसको एल दूरी कवर करना पड़ेगा, यानी इस वॉल पे जब दोबारा वो टकराएगा तो एल दूरी कवर करके आया था, मतलब यहां से टकराने के बाद वो एल दूरी कवर करके गया, दूसरे से टकराया, लेकिन इससे नहीं देखना है हमें, इससे देखना है, तो वापिस से वो एल दूरी आएगा फिर इससे टकराएगा। तो अगर एक कोलिजन की बात करें तो डेल्टा टी टाइम कितना लगेगा एक कोलिजन में, एक कोलिजन में भाई यहां से एल दूरी कवर करके जाना फिर एल दूरी कवर के आना, मतलब टू एल दूरी कवर करके आना, और कितनी स्पीड से, वीएक्स स्पीड से, वीएक्स स्पीड से। तो जो डेल्टा टी है वो भी हम निकाल सकते हैं, डेल्टा टी फॉर वन कोलिजन, टाइम फॉर वन कोलिजन, वन कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन कितने टाइम में होगा इस वॉल पर, तो हम लिख सकते हैं उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है टू टाइम्स एल डिवाइड बाई कितनी स्पीड से किया बेटा, वीएक्स, टू टू एल बाई वीएक्स। तो अगर s कोलिजन्स हो रहे हैं, s नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वो दोबारा कोलिजन डेल्टा t टाइम में कितना टाइम लग जाएगा भाई, तो डेल्टा t फॉर s नंबर ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन्स s नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो हम बोलेंगे कि इसमें s का मल्टीप्लाई कर दो तो इतना टाइम लगेगा डेल्टा t, तो 2l into s by vx। तो देखो बेटा डेल्टा t भी आ गया, और इस डेल्टा t में जितने कोलिजन्स हुए हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम जितना आया है वो है 2mSvx, तो हम यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं। तो जो हमारा एवरेज फोर्स हो जाएगा बच्चों वॉल पर, है ना, एवरेज फोर्स, तो हम लिख सकते हैं एवरेज फोर्स ऑन वॉल, वॉल ड्यू टू ऑन वॉल ड्यू टू आप लिख सकते हो ड्यू टू वन पार्टिकल। तो जो वन पार्टिकल है वो कितना एवरेज फोर्स लगाएगा बेटा, वन पार्टिकल, तो वन पार्टिकल का एवरेज फोर्स जो है ये एस नंबर ऑफ बेटा पार्टिकल्स नहीं कोलिजन्स लिख लो, एस नंबर ऑफ कोलिजन, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको, है ना, एस नंबर ऑफ कोलिजन, एक पार्टिकल का एस नंबर ऑफ कोलिजन है डेल्टा टी टाइम, है ना, तो वन पार्टिकल का जो कोलिजन है वो कितना हो जाएगा भाई, वन पार्टिकल का जो कोलिजन है एवरेज फोर्स होगा वो हो जाएगा डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। अच्छा वन पार्टिकल जब कोलिजन्स करता है एस नंबर ऑफ कोलिजन्स तो कितना आता है भाई चेंज इन मोमेंटम, तो ये देखो लिखा हुआ है 2mvx into s, और जब वो डेल्टा टी लेता है एस कोलिजन्स के लिए वो कितना टाइम हो गया 2ls by vx। तो देखो बेटा s और s कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ गया एम वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स ऊपर चला जाएगा, एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, और एल नीचे आएगा, है ना बेटा, तो ये हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल। तो ये एक पार्टिकल की वजह से डेल्टा टी टाइम में क्या है बच्चों, एवरेज फोर्स है, लेकिन हमें तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन्फिनाइट पार्टिकल्स है मान लो, तो उन सबके कारण निकालना है ना, उन सबके कारण निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल एवरेज फोर्स। तो अगर हम टोटल एवरेज फोर्स निकालना चाहते हैं तो टोटल एवरेज फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, तो टोटल एवरेज फोर्स, नेट फोर्स जो है वो निकाला जाएगा सभी पार्टिकल्स का सम करके। तो मान लो पहले पार्टिकल की एक्स में वेलोसिटी वी वन है तो उसको स्क्वायर करो अपॉन एल करो, फिर प्लस दूसरे पार्टिकल का जो, क्योंकि मास सेम रहेगा लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो स्पीड अलग है तो इसका स्क्वायर करो डिवाइड बाई एल करो, फिर थर्ड पार्टिकल डॉट 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 डॉट, इस तरीके से चलता जाएगा।
एन नंबर ऑफ टाइम्स, एम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो कैपिटल एन, कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनमें सब में से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, बाहर एम बाई एल जो है वो कॉमन आ जाएगा, है ना, एम बाई एल कॉमन आ गया। उसके बाद फिर आप क्या करो भाई, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे कितना बच्चों, वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे एन पार्टिकल्स। इसको आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एम बाई एल इंटू समेशन ऑफ वी वन एक्स, या फिर आप आई इज इक्वल टू वन टू एन करोगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वी आई एक्स का स्क्वायर, वी आई एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा वी एक्स जो है, या वी आई एक्स जो है, उसके स्क्वायर को लिख सकते हो टोटल वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, या वी वी स्क्वायर अपॉन थ्री, है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, अपॉन थ्री जो है वो बाहर ले लेते हैं, तो ये मास अपॉन थ्री एल बाहर आ जाएगा बेटा, और ये समेशन आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन, ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर, वी आई स्क्वायर। अब देखो बेटा ये कहीं कहीं देखा सा लग रहा होगा आपको, देखा देखा सा लग रहा होगा ये वाला टर्म, अगर आपको याद हो तो ये वाला टर्म मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप थोड़ा सा उसको याद करो, किसको बच्चों, आर एम एस वैल्यू को, जब हमने वी आर एम एस डिफाइन किया था तो ये किया था, पहले हमने बोला था कि स्क्वायर लो, फिर उसका मीन लो, आई इज इक्वल टू वन टू एन, मीन ले लिया, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये वी आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी देखो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वी आई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, एन टाइम्स वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर भी हम यह काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम ये वाला काम कर सकते हैं भाई, कि वी आई की जगह क्या कर सकते हैं हम, एन टाइम्स वी आर एम एस स्क्वायर लिख सकते हैं, एन टाइम्स वी आर एम एस। तो देखो बेटा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स, अब ध्यान से देखो, अच्छा प्रेशर फोर्स लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे वी आई को लिख सकते हैं एन टाइम्स वी आर एम एस स्क्वायर, तो एन बाहर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मास ऑफ वन पार्टिकल, और ये डिवाइड बाई एल, और ये हो जाएगा बेटा कितना, वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना, वी आर एम एस का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा एन इंटू एम, अब हमें प्रेशर निकालना है बेटा, प्रेशर, तो हम प्रेशर निकालेंगे, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, एन इंटू एम जो है मतलब ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और आप ध्यान से देखो नीचे थ्री भी था, थ्री भी था, तो ये एन इंटू एम क्या हो जाएगा, दिस इज टोटल मास ऑफ गैस, क्योंकि एम जो है वो स्मॉल, एम जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, और जितने भी टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, एन मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल, तो एन मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा एन इंटू एम, मतलब दिस इज टोटल मास ऑफ गैस डिवाइड बाय एरिया, तो एरिया की जगह यहां पे क्या है भाई, थ्री एल भी है और एरिया भी है, तो एरिया और लेंथ ये क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, और इंटू जो है वी आर एम एस का स्क्वायर, तो है ही। अब देखो टोटल मास अपॉन लेंथ इंटू एरिया, ये वॉल्यूम है, तो टोटल मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, तो प्रेशर आ गया आपका गैस का 1/3 टोटल मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, देखो मैंने यही लिखा था, तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये प्रूफ हो गया, इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कैसे निकाला जाता है, ऑल दो डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया था ना कि डेंसिटी पे प्रेशर डिपेंड करता है, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा, गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा, वैसे वी आर एम एस ज्यादा होगा तो गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, तो बेसिकली आपका प्रेशर ऑफ गैस जो है वो 1/3 वी आर एम एस स्क्वायर है, 1/3 वी आर एम एस स्क्वायर। तो आई होप आपको बच्चों ये फॉर्मूला और ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आया। तो देखिए बच्चों अब यहां पे आप लिखेंगे, अब गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना भी बच्चों हमें आना चाहिए ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो हम ये मान रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, क्योंकि तो ट्रांसलेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी है ना, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है, ठीक है।
अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल मान लो नेट स्पीड वी से जा रहा है, तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी लिखी जाएगी, आपको पता है, लिख सकते हो आप। तो आप वन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम होता है जैसे हमने बोला था, तो स्मॉल एम इंटू नेट स्पीड का स्क्वायर, वी स्क्वायर। अब देखो अलग अलग स्पीड होगी अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, एक की वी वन स्क्वायर, दूसरी की वी वन। तो अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस चाहिए तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है, काइनेटिक एनर्जीज जो है, उनको ऐड कर देना चाहिए। तो फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड मान लो वी वन है तो हाफ एम वी वन स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल की स्पीड वी टू है तो हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे एन पार्टिकल्स हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, हाफ और एम तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल मास होता है ना आइडियल गैस का, तो अंदर बचेगा कितना बेटा, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे कैपिटल एन पार्टिकल्स। इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, हाफ एम समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू वन टू एन, ये वी आई स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया था इसको क्या लिखा जा सकता है ना, दिस इज द काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो हमने बताया था, अभी आपको मैंने लिख के बताया था कि आई इक्वल्स टू वन वी आई स्क्वायर को जो है, वी आई स्क्वायर को एन टाइम्स वी आर एम एस का स्क्वायर लिखा जा सकता है, एन टाइम्स वी आर एम एस का स्क्वायर, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कर दो भाई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लिखें हाफ एम, और इस पूरी की जगह ये डाल दो तो ये टोटल एन, तो एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, टोटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस, तो इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितनी आ गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज हाफ इनटू टोटल मास ऑफ गैस, वन पार्टिकल का मास इनटू एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो टोटल मास ऑफ गैस इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह आर एम एस वैल्यू आती है, आर एम एस वैल्यू, इसलिए आर एम एस वैल्यू को समझाया गया, इम्पोर्टेंस है एवरेज के बावजूद आर एम एस वैल्यू का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी आर एम एस ही आता है, प्रेशर में भी आर एम एस वैल्यू आती है। अब आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा कि आर एम एस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जबकि हमने एवरेज वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन की थी, तो एवरेज नहीं आता है, आर एम एस वैल्यू आती है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस होती है ना, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले में वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है बच्चों, वो निकालने को बोला जाएगा तो आप निकाल देंगे बड़े आसानी से, दैट इज इक्वल्स टू हाफ टोटल मास ऑफ गैस इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज, कभी कभी स्टेटमेंट पूछा जाता है बेटा, तो आपको बताना पड़ता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रहा, वो आप लोगों को बताना है ना। तो यहाँ पे आप देखो भाई, बोला गया कि क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे बना के कर लेते हैं हम, तो क्वेश्चन लिखा गया, मान लीजिए कि बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद टाइम। तो आपको बताना है कि कौन सी चीज जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है, और कौन सी चीज जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती, या दोनों नहीं करती या दोनों करती। तो फर्स्ट आपसे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, दूसरा चीज सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है ना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है टाइम के साथ चेंज करता है और कौन सा जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करता। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए कि किस कौन सा वाला टाइम के साथ चेंज करता है, तो इसमें आप यस लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की चेंज कर सकती है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि टकराने के बाद इसकी दूसरे किसी डायरेक्शन में स्पीड अलग हो जाएगी। तो पहले वी वन से आए मान लो, फिर वी टू से आ गए, तो वी वन वी टू जो है वो अलग अलग हो गए, तो हाफ एम वी स्क्वायर भी अलग अलग हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है वी आर एम एस पे, वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी वी आर एम एस पे। और वी आर एम एस तो बेटा कांस्टेंट होता है,
क्योंकि वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √3 RT बाई एम नॉट। तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वी आर एम एस कांस्टेंट होगा। हालांकि यहाँ टेम्परेचर की कोई बात नहीं की गई, टाइम की बात की है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहे हैं, तो टाइम के साथ ये चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर के साथ कर सकता है। इसलिए हम बोलेंगे कि टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड नहीं करती है, जबकि वन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसमें रफ्तार चेंज हो सकती है टकराने के बाद, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है, लेकिन टोटल गैस की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि वो वी आर एम एस पे डिपेंड करती है, और वी आर एम एस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से जो है वो आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहेगी। तो जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे इसका, तब तक वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है बच्चों क्लियर हो गया होगा। तो देखो बेटा क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो आपने अभी बोला ना कि काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, वो तो हमने उसकी स्पीड से निकाला, लेकिन उस स्पीड आती कहाँ से है, टेम्परेचर की वजह से। और टेम्परेचर आएगा मतलब थर्मल एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी मतलब वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशन होगा मतलब किसी मॉलिक्यूल का रफ्तार होगी, और रफ्तार होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का मेन जो चीज है, कारण है, वो टेम्परेचर कहलाएगा। वो तो हमने वेलोसिटी से निकाल लिया, लेकिन हमें टेम्परेचर के टर्म्स में भी तो काइनेटिक एनर्जी लिखना आना चाहिए ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो देखो ये कैसे निकाला जाता है, ये भी हम निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। और पहले यहाँ पे आप थोड़ी सी टेम्परेचर की डेफिनेशन भी लिख लो साथ ही साथ, है ना, कि टेम्परेचर गैस के लिए कैसे डिफाइन किया जाता है। तो टेम्परेचर के लिए बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए कि इट इज रिलेटेड टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। तो रैंडम मोशन उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मैंने अभी आपको बताया वाइब्रेशन उतने ज्यादा होंगे तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का। टेम्परेचर का बेसिक मतलब ये है गैसेस में, है ना, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रैंडम मोशन विल ऑल्सो इंक्रीजेस एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। और इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कहीं ना कहीं रोल जो है वो टेम्परेचर के साथ है। अब कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखें, तो बच्चों जब टेम्परेचर के साथ निकालता है तो इसका जो फॉर्मूला आता है, हालांकि इसका भी कोई ऐसा डेरिवेशन हमें करना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो जब काइनेटिक एनर्जी वन मॉलिक्यूल की बात की जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाएगी एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिखी जाती है बच्चों, कितना, वन मॉलिक्यूल की 3/2 kT, है ना, एट टी टेम्परेचर। तो ये 3/2 है, तो इसका भी डेरिवेशन वगैरह होता है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई ज्यादा आपको काम होगा नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ये होती है बेटा, है ना। यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो के वाला टर्म है इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, सुना होगा आपने शायद, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, है ना। और ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, हालांकि वैल्यू नहीं भी याद होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में लिखा हुआ देता है आपको, है ना। खैर तो इसकी हालांकि वैल्यू मैं लिख के बता देता हूँ, 1.38 × 10⁻²⁰ है ना बच्चों। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो ये होता है मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड स्क्वायर केल्विन, है ना, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा, क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो पॉइंट है ये बच्चों क्लियर है।
तो ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाली, ये तो वन मॉलिक्यूल की है, वन मॉलिक्यूल की। तो अगर हमें एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा, वन मोल के लिए बोलें तो मैं अगर आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस, तो आपको पता है कि एक मोल के गैस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है ना। तो यहाँ पे एक पार्टिकल की अगर ये काइनेटिक एनर्जी है, तो एन ए पार्टिकल कितनी होगी? एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 K इंटू एन ए, एन ए एन ए इंटू टेम्परेचर। दिस इज वन मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी है ना बच्चों। यहाँ पे याद रखेंगे जो ये एन ए है, ये एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर, ये आप जानते हो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने। एन ए की वैल्यू जो होती है वो 6.023 इंटू 10^23 होती है ना, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वन मोल में। ठीक भाई। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है बेटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। के एन ए जो है, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट। और इस वैल्यू, ये वैल्यू कभी बदलती नहीं है, ना तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कभी बदलेगा, ना एवोगैड्रो नंबर कभी बदलेगा। इसलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, और क्योंकि ये गैस से रिलेटेड कांस्टेंट है, इसलिए इसको कैपिटल आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, यूनिवर्सल गैस। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आया कहाँ से, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना बेटा। तो आर की वैल्यू आप के इंटू एन ए लिख सकते हो। अब के की वैल्यू देखो, ये ऊपर लिखी हुई है, एवोगैड्रो की नंबर की वैल्यू जो है वो ये लिखी है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी है ना बच्चों, आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बताई थी, 8.31 ये होती है ना, बाकी यूनिट वगैरह आप देख सकते हो, पहले हमने लिखा हुआ है। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा आर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की फॉर वन मोल, वो कितना हो गया बेटा? 3/2 RT, ऐसा लिख सकते हैं ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के टर्म्स में, 3/2 RT। लेकिन खैर, मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे तो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए चाहिए कि एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस, तो एन मोल्स ऑफ गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? टोटल काइनेटिक एनर्जी तो एक मोल के लिए इतना है, तो एन का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3/2 nRT। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 3/2 nRT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, भूलना नहीं है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ मोल्स इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 3/2 nRT, वेर आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, पुट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, एंड स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दिस डेट सैंपल ऑफ गैस। तो आई होप आपको बच्चों काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, हेडिंग डालिए यहाँ पे जो है, याद करो हमने एक डेरिवेशन, मतलब मैंने डेरिवेशन तो आपको नहीं बताया था, मैंने आपको VRMS की वैल्यू बताई थी, मैंने कहा था वो फॉर्मूला याद कर लेना। उसका एक डेरिवेशन होता है उस ग्राफ से जो मैक्सवेल ने स्टडी किया था, वो हमारे कोर्स में ही, लेकिन कभी अगर आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं वो, तो अगर आपको डेरिवेशन करना ही है तो आप काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से VRMS को डिराइव कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ पे वही हेडिंग डालेंगे, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ VRMS बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे, उसको समझते हैं बेटा। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी VRMS के टर्म्स में क्या लिखा था आपने, हाफ इंटू टोटल मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर है ना बच्चों। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिखा, टेम्परेचर के टर्म्स में क्या लिखा बेटा? 3/2 nRT फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स फॉर द सैंपल। ठीक। अब क्योंकि दोनों एक ही गैस के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। तो ये हाफ एम टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर, और इट इज विल इक्वल्स टू 3/2 nRT। तो यहां से देखो बेटा, 2 और ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो VRMS स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? nRT / 3 टाइम्स
अपॉन टोटल मास। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थ्री आर टी बाई टोटल मास अपॉन टोटल नंबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा टोटल नंबर ऑफ मास, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये तो बेटा मोलर मास होता है ना, एक मोल का मास, तो एन मोल्स का मास एम्प्टी है, तो वन मोल का मास एम्प्टी बाई एन होगा, तो यही तो मोलर मास होता है, तो इसको आप एम नॉट से रिप्लेस कर सकते हो। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो वी आर एम एस का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा थ्री आर टी बाई एम नॉट मोलर मास। अब आप यहां से वी आर एम एस की वैल्यू देखें क्या आएगी बेटा, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड से, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका कितना बच्चों, रूट ओवर थ्री आर टी बाई एम नॉट। लेकिन याद रहे यहाँ पे एम नॉट की वैल्यू केजी में रखेंगे, तो ये जो वी आर एम एस की वैल्यू है केजी पर मोल में रखेंगे, तो वी आर एम एस की वैल्यू है मीटर पर सेकंड में आएगी। तो देखो ये आपका वो फॉर्मूला जो है वो काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट से बड़े इजीली इसको डिराइव किया जा सकता है ना। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लेना।